बच्चों कैसे हो आप सभी लोग। मैंने आपकी क्लास के अंदर चैप्टर 2 स्टार्ट कर रखा है जिसका नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। और उनमें भी मैंने जो टॉपिक शुरू कर रखा है उसका नाम क्या है, निषेचन पूर्व प्रावस्थाएं, पुष्पीय पादपों में निषेचन पूर्व प्रावस्थाएं। वहां पर मैंने आपको क्लास के अंदर लघु बीजाणु धानी की संरचना समझा दी, फिर जो प्राग कण है उसकी संरचना बता दी। आज हम लोग प्राग कण का परिपक्वन पढ़ेंगे, प्राग कणों का परिपक्वन की बात करेंगे। हालांकि ये अलग से नहीं दे रखा है, डायग्राम दे रखा है, तो फिर मैं थ्योरी भी साथ में ही करवा देती हूँ। तो सुनिए, प्राग कणों का जो परिपक्वन है उसमें सबसे पहले अपन ये कहेंगे कि जो ये प्राग कण है इनको नर युग्मोद्भिद बोला जाता है, भिद बोला जाता है, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं, नर युग्मोद्भिद कहलाते हैं। अब जो प्राग कणों का जो परिपक्वन है ये परिपक्वन कब होता है, स्फुटन से पहले। जब प्राग कण का परिपक्वन हो जाएगा तो प्राग कण लघु बीजाणु धानी से बाहर आ जाएंगे। तो प्राग कण का लघु बीजाणु धानी से बाहर आना क्या कहलाता है, स्फुटन की क्रिया कहलाती है। तो प्राग कणों का कब हो रहा है स्फुटन, कब होगा प्राग कणों का स्फुटन, स्फुटन से पहले प्राग कणों का परिपक्वन हो जाएगा। अब आपको ये तो पता चल गया कि प्राग कणों का परिपक्वन स्फुटन से पहले होता है, लघु बीजाणु धानी से बाहर निकलने के बाद होता है, बट है क्या ये नहीं पता चला। तो अब मेरी बात आराम से सुनो। सबसे पहले क्या हुआ, लघु बीजाणु जनन के दौरान अगुणित लघु बीजाणु बना, ये सब पता है ना आपको, अगुणित लघु बीजाणु बना है ना, ये इसका क्या हो गया न्यूक्लियस है ना। अब यहाँ देखो ये इसका क्या है, कोशिका द्रव है, लघु बीजाणु का कोशिका द्रव है। ये लघु बीजाणु का क्या है, केंद्रक, और कैसा है, अगुणित है। परिपक्वन के समय क्या होगा, सबसे पहले क्या हुआ कि जो ये कोशिका द्रव है ये सघन हो जाता है, कोशिका द्रव क्या हो जाता है, सघन हो जाता है। और जो केंद्रक है वो परिधि की तरफ क्या करता है, गमन करता है। केंद्रक जो है वो परिधि की तरफ क्या करेगा, गमन करेगा, और साथ ही साथ में इसमें कुछ रिक्तिकाओं का निर्माण शुरू हो जाएगा। और ये क्रिया कहाँ हो रही है, लघु बीजाणु धानी में हो रही है, जिसको आप प्राग पुट्टिका कहते हो, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि जितनी भी ये रिक्तिकाएं बनी यानी रस धानी बनी या रिक्तिकाएं जितनी भी बनेगी वो सभी की सभी रिक्तिकाएं अपने आकार में वृद्धि करेगी, रिक्तिकाएं अपने आकार में क्या कर लेगी, वृद्धि कर, यानी सभी की जगह एक जगह इकट्ठी हो गई और एक बड़ी रिक्तिका का निर्माण कर लिया। तीन रिक्तिका मिलकर के यानी कि क्या बन गई, रिक्तिका, जो रिक्तिकाएं थी ना उसने क्या बना लिया, रिक्तिका बना लिया। और ये जो केंद्रक है इस केंद्रक में क्या शुरू हो गया है, विभाजन की क्रिया, संसूत्री विभाजन हो गया। केंद्रक कैसा है, अगुणित है, तो संसूत्री विभाजन ही होगा। केंद्रक में संसूत्री विभाजन के दौरान दो केंद्रक बन जाते हैं, संसूत्री विभाजन के दौरान दो केंद्रक बन जाते हैं। एक केंद्रक जो अनियमित आकार का है, थोड़ा बड़ा है, अनियमित आकार का एक केंद्रक थोड़ा बड़ा है, अनियमित आकार का होगा। एक केंद्रक थोड़ा छोटा और तरकु आकार का हो जाएगा, ठीक है। और ये कोशिका द्रव है। अब जो केंद्रक बड़ा है, जो केंद्रक बड़ा है उसे कायिक केंद्रक कहते हैं, कायिक केंद्रक कहते हैं। और जो केंद्रक छोटा बना है उसे जनन केंद्रक कहते हैं।
जनन केंद्रक कहते हैं। कायिक केंद्रक जहाँ पाया जा रहा है उस कोशिका को कायिक कोशिका कहते हैं, कायिक कोशिका कहते हैं। और जहाँ पर जनन केंद्रक पाया जा रहा है जनन कोशिका कहते हैं। कायिक केंद्रक पहले जनन केंद्रक पहले कायिक कोशिका के साइटोप्लाज्म में तैरता रहता है। जैसे मान लो ये कायिक कोशिका का साइटोप्लाज्म है और इसी साइटोप्लाज्म के अंदर ये क्या करता रहेगा, तैरता रहेगा। लेकिन कुछ समय के बाद में एक विभाजन रेखा का निर्माण होता है, एक विभाजन रेखा का निर्माण होता है। और जो कोशिका बड़े आकार की है कायिक कोशिका और जो छोटे आकार की है वो क्या कहलाएगी, जनन कोशिका कहलाएगी। तो ये कौन सी हो गई, कायिक कोशिका, और ये कौन सी हो गई, जनन कोशिका। ये इसका केंद्रक और ये इसका केंद्रक हो गया। सुनो, परिपक्वन के समय लघु बीजाणु का कोशिका द्रव्य सघन हो जाता है, ठीक है। केंद्रक परिधि की तरफ गमन करता है और इसके अंदर कुछ रिक्तिकाएं का निर्माण हो जाता है। कुछ समय बाद सभी रिक्तिकाएं आपस में मिलकर के एक बड़ी रिक्तिका का निर्माण करती है। वह केंद्रक में समसूत्री विभाजन शुरू हो जाता है। ये जो मैंने संरचना बनाई है ना, इनको तक्कु तंतु बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा समसूत्री विभाजन में तक्कु तंतु बनते हैं। फिर ये तक्कु तंतु में खिंचाव होता है और दो केंद्रक बनते हैं। जो बड़ा केंद्रक है कायिक केंद्रक कहलाता है और छोटा केंद्रक जनन केंद्रक कहलाता है। जनन केंद्रक जो है वो पहले कोशिका द्रव्य में तैरता रहता है, फिर एक विभाजन रेखा के द्वारा दोनों केंद्रक अलग हो जाते हैं। जो कोशिका बड़े आकार की है कायिक कोशिका कहलाती है, यानी आकार कैसा होता है, बड़ा आकार का है। इसका जो केंद्रक है वो अनियमित है, कोई आकार नहीं होता। कोशिका द्रव्य अधिक है, अनियमित केंद्रक है, वह अधिक मात्रा में आरएनए पाए जाते हैं। साथ ही साथ में इसका जो कोशिका द्रव्य अधिक होने के साथ साथ में इसके अंदर भोजन संचय रहता है, भोजन संचय रहता है। और प्राग कण के अंकुरण के समय, प्राग कण के अंकुरण के समय कायिक कोशिका प्राग नलिका का निर्माण करती है, प्राग नलिका का निर्माण करती है। जो कोशिका छोटी है जिसका केंद्रक तर्कु के आकार का है जनन कोशिका कहलाती है। इसमें कोशिका द्रव्य कम है, कोशिका द्रव्य वे आरएनए की मात्रा कम होती है। डीएनए दोनों कोशिकाओं में समान आकार का होता है। ये जो जनन केंद्रक है ये आगे जाकर के विभाजन की क्रिया करके दो अगुणित अवस्था बनाएगा। इन दोनों अगुणित अवस्था को नर युग्मक कहते हैं। लेकिन नर युग्मक का निर्माण 60% पुष्पीय पादपों में प्रागण के बाद होता है, 60% पुष्पीय पादपों में प्रागण के बाद होता है। तो देखो मेरी बात, ये सारी क्रिया कहाँ की है मैंने, इसको छोड़ दो एक बार, बाकी सारी क्रिया कहाँ की है मैंने, प्राग पुट्टिका में की है। प्राग पुट्टिका आपको मालूम है लघु बीजाणु धानी आगे विकसित होकर के प्राग पुट्टिका का निर्माण करती है, जिसमें प्रागण बनते हैं, जिसके अंदर क्या बनते हैं, लघु बीजाणु बनते हैं। वो जो लघु बीजाणु हैं वो आगे जाकर के एक परिपक्व प्राग कण बनाएंगे। परिपक्व प्राग कण जो है वो लघु बीजाणु धानी से बाहर निकल जाएंगे। जब लघु बीजाणु धानी से बाहर निकले तो 60% पुष्पी पादपों के अंदर इस अवस्था में बाहर निकलेंगे कायिक कोशिका और जनन कोशिका।
यानी कितनी कोशिका के रूप में बाहर निकले हैं? दो कोशिकी की अवस्था में बाहर निकले 60%, यानी फ्रीली मूव करते हैं। क्या मूव करते हैं? मुक्त दोली होते हैं, फ्रीली मूव करते हैं, फ्री हो जाते हैं। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, बच गए 40%। तो 40% में क्या होगा? सुनो, ये बड़ी वाली कोशिका बनी एक, छोटी वाली कोशिका है ना, स्पुटन से पहले ही जो जनन कोशिका, इसे नर युग्मक बन जाएंगे। देखो, एक कोशिका 40% है, तो एक कोशिका तो ये हो गई, और दो कोशिका ये नर युग्मक वाली, तो कितनी कोशिका के रूप में मुक्त हुए? 3 कोशिकीय अवस्था में मुक्त हुए। लेकिन लगभग कितनी अवस्था में मुक्त होते हैं? 2 कोशिकीय अवस्था में मुक्त होते हैं, बस काई कोशिका और जनन कोशिका मुक्त हो जाते हैं, फिर प्रागण की क्रिया संपन्न होती है। लेकिन कुछ पादपों में नर युग्मक पहले ही बन जाते हैं ना। अब सुनो मेरी बात, इतनी बात सबके समझ में आ गई। अब मैंने दो क्या बने याद है ना, बाह्य चोल और अंतः चोल बनाए ये दोनों मैंने। सुनो तो अब, कितनी कोशिका थी? 2 कोशिका थी। कौन कौन सी? कायिक कोशिका और जनन कोशिका। ठीक है, कायिक कोशिका और एक है जनन कोशिका। ठीक है जी, कब है? परिपक्वन के समय बन रही है। कायिक कोशिका आकार में कैसी होती है? बड़ी होती है। ये आकार में कैसी होती है? छोटी होती है। इसका जो केंद्रक है वो बड़ा है, अनियमित है। पहले तो गोलाकार होता है, लेकिन जैसे जैसे विकास होता है अनियमित हो जाता है। इसका जो केंद्रक है वो छोटा है। क्या है? छोटा केंद्रक है, और तर्कु के आकार का है, तर्कु रूपी होता है। ठीक है, इसमें कोशिका द्रव्य अधिक है, तभी तो बड़ी है। कोशिका द्रव्य क्या होता है? अधिक होता है, जबकि इसके अंदर कोशिका द्रव्य क्या होता है? कम होता है। इसमें आरएनए अधिक होता है, आरएनए कम होता है, डीएनए दोनों में समान होता है। आगे जाकर अब सुनो, जैसे मान लो पोलिनेशन परागण हो गया है ना, परागण समझ गए ना तुम लोग? ये है अंडा है ना, वर्तिकाग्र वृत्तिका और अंडाशय, ये मालूम है? ठीक है, परागण के समय जो परागकण होते हैं है ना, जो परागकण होते हैं जिनमें दो कोशिका है, जिनमें दो कोशिका है, कायिक कोशिका और जनन कोशिका, ये कहाँ तक पहुँच गए? वर्तिकाग्र तक पहुँच गए। अगर मान लो सेम एक समान पौधे हैं, तो वर्तिकाग्र तक पहुंचने के बाद में वर्तिका इन्हें कुछ विशेष प्रकार के पदार्थ प्रदान करती है, जिससे एक क्या बनती है? ये नली, ऐसे नलिका बनती है। अब ये नलिका कौन बना रहा है? कायिक कोशिका बना रही है। परागण के बाद में कायिक जो कोशिका है वो प्राग नलिका बनाती है, और प्राग नलिका का बनना ही क्या कहलाता है? प्राग कणों का अंकुरण कहलाता है। प्राग कणों का अंकुरण कहलाता है। तो परागण के बाद में कायिक कोशिका प्राग नलिका का निर्माण करती है, जबकि जनन कोशिका का केंद्रक प्राग नलिका में आ जाता है, और प्राग नलिका में आकर के विभाजित होकर के दो अगुणित कोशिका बनाता है। इन दोनों अगुणित कोशिका को क्या, जैसे मान लो ये ऐसे है, ठीक है, सुनो, ठीक है, सुनो, ऐसे है, यहाँ से जो जनन केंद्रक है वो कहाँ आ गया? इस
नलिका में आ गया, जनन केंद्रक। और जनन केंद्रक अगुणित है, आपको पता है, और अगुणित संसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होकर के दो अगुणित कोशिका का निर्माण करते हैं। इन दोनों अगुणित कोशिका को क्या कहते हैं, नर युग्मक कहते हैं। 60% पुष्पीय पादपों में नर युग्मक का निर्माण परागण के बाद होता है, परागण के बाद होता है। तो उस समय जब लघु बीजाणु धानी से पराग कण जब बाहर निकले थे, लघु बीजाणु धानी से जब पराग कण बाहर निकले थे, तो उस समय केवल दो ही कोशिका थी, कौन कौन सी, कायी कोशिका और जनन कोशिका। तो उसे क्या कह दिया, दो कोशिकीय अवस्था के रूप में मुक्त हुए हैं। लेकिन पीछे से जो 40% बच जाते हैं, उन पौधों के अंदर कई बार क्या होता है कि नर युग्मक का निर्माण भी लघु बीजाणु धानी में ही हो जाता है, उसके बाद में पराग कण बाहर निकलते हैं। तब कितनी कोशिका बन गई, 3 कोशिका बन गई, एक कायी कोशिका वाली और दो कौन सी, नर युग्मक वाली। तो एक जो पराग कण से कितने नर युग्मक बनते हैं, 2 नर युग्मक बनते हैं। और हकीकत में प्रजनन के समय है ना, पराग नलिका के द्वारा अंडाशय, अंडाशय में जो बीजांड पाया जाता है, वहां तक कितने नर युग्मक जाते हैं, 2 ही नर युग्मक जाते हैं। हालांकि इसके ऊपर आकर के बहुत सारे परागण पड़ते हैं, बहुत सारे परागण गिरेंगे यहाँ पे आगे, पराग कण, परागण के समय बहुत सारे पराग कण आएंगे। लेकिन जो ये ट्यूब बनी है ना, ये जो नलिका बनी है, वो एक ही नलिका अंदर तक जाएगी। और एक नलिका में कितने नर युग्मक होते हैं, 2 नर युग्मक होते हैं। यहाँ तक की बात सभी बच्चों के समझ में आ गई होगी, आई होप। नहीं समझ में आए तो वीडियो को रोक करके वापस देख लेना, कोई ऐसा तो है नहीं कि वीडियो हट जाएगा। अभी क्लास में हो तब तो फेस टू फेस हमारी बात हो सकती है, एक बार फिर रिपीट कर दे, अब बार बार उसी बात को रिपीट करने से कोई फायदा नहीं होता है। तो इसीलिए अगर नहीं समझ में तो बार बार देख लिया करो, वीडियो को समझ में आ जाएगा। चलो, परिपक्वन हो गया, सारी बातें क्लियर हो गई। अब हमारा अगला प्रश्न ये बनेगा कि जो पराग कण है ये मित्र है कि शत्रु है, पराग कण मित्र है या शत्रु है। ठीक है, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि पराग कण मित्र है या फिर शत्रु है। तो बात सुनो, जो पराग कण होते हैं हमारे लिए लाभदायक भी हो सकते हैं और हानिकारक भी होते हैं। अब ये लाभदायक कैसे हैं कि जो पराग कण हैं उनके अंदर पोषक तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। पोषक तत्व अधिक मात्रा में पाए जाने की वजह से इन पराग कणों से कुछ टैबलेट्स बनाई जाती है, और वो जो टैबलेट्स है उनका उपयोग धावक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं। कि पराग कण के अंदर जो मैंने कहा था ना, कायी कोशिकाओं के अंदर भोजन संचय रहता है, तो वो जो भोजन है उसमें विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थ होते हैं। एक तो जो दौड़ करने वाले होते हैं, धावक होते हैं, उनको ऊर्जा ज्यादा चाहिए। अगर वो खाने से ऊर्जा लेंगे तो उस खाने का पाचन होगा, कब उससे ऊर्जा बनेगी, तो काफी लंबा समय लगेगा। तो वो लोग क्या करते हैं, दौड़ने से पहले किसकी टैबलेट ले लेते हैं, पोलेन ग्रेन की टैबलेट ले लेते हैं, क्योंकि इनके अंदर भोजन अत्यधिक मात्रा में संचय रहता है और काफी ऊर्जा वाला होता है। जैसे आपने कई बार घोड़ों की रेस देखी होगी, तो वहां घोड़ों को भी इसकी टैबलेट दे दी जाती है ताकि उनको भी अत्यधिक क्या मिल सके, ऊर्जा मिल सके। तो इतनी बात ध्यान में रखनी है कि इनमें अत्यधिक पोषक पदार्थ होते हैं, तो अत्यधिक पोषक पदार्थ होने की वजह से इनके टैबलेट बनाई जाती है, जिनका यूज धावक या घोड़ों को दिया जाता है, जिनके भारी मात्रा में उपयोग लेते हैं। बस इतनी सी बात है। शत्रु कैसे हैं, तो जो पराग कण होते हैं ये पराग कण मानव में एलर्जी फैलाते हैं। जैसे कोई भी पर्सन, सब में नहीं होती ना, सब में तो किसी किसी के अंदर होता है, जैसे वो पराग कण के अच्छा पराग कण आप पहचानो कैसे, जैसे मान लो आप कोई भी ये पराग कोष है,
है ना, इस प्राग को उसको ऐसे हाथ लगा के देखते तो कई बार क्या होता है कि आपके जो हाथ है वो पीले रंग के हो जाते, तो है ना कलर आ जाता है आपके टिप्स के ऊपर ना, अंगुलियों पे ऐसे, तो कलर किसकी वजह से आया था, वो प्राग कण की वजह से आया था। हालांकि प्राग कण अगुणित होते हैं, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा इनकी संरचना को देखा जा सकता है, लेकिन हमें ऐसे एहसास हो जाता है कि हाँ कुछ रंग चेंज हुए हमारी अंगूठे का अंगुली का, तो प्राग कण की वजह से चेंज हुआ है। तो अभी कई बार क्या करते हैं, कोई भी मानव अगर इसके संपर्क में जाता है तो उसको छींक आने लगती है, नाक से आंख से पानी बहने लगता है, चेहरा पूरा लाल हो जाता है उसका, मतलब प्राग कण से उसको क्या हुई है, एलर्जी हुई है। प्राग कण से जो एलर्जी होती है उसमें एक रोग जैसे अस्थमा कह सकते हो आप, है ना, ब्रोंकाइटिस, यानी कि जो आपकी जो सवसनिका है उस सवसनिका में सूजन आ जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो सांस से संबंधित बीमारियां भी हो सकती है। ठीक है, सांस से संबंधित क्या हो जाएगी, बीमारियां हो जाएगी, जैसे एक जो गेहूं है, हरित क्रांति के समय क्या था कि गेहूं और चावल की उपज को बढ़ाना था, तो विदेश से गेहूं के बीजों को मंगवाया गया था, उच्च गुणवत्ता वाले बीजों को, तो गेहूं के उच्च गुणवत्ता वाले बीजों के साथ साथ में गाजर नहीं है, उसकी घास है, ये एक प्रकार का खपतवार है, इसके बीज भी साथ में आ गए। ठीक है, इसके बीज भी क्या आ गए, साथ में आ गए, और ये गाजर जो गाज, इसको पार्थेनियम भी बोलते हैं, क्या बोलेंगे, पार्थेनियम भी बोलेंगे, तो ये मानव के अंदर क्या फैलाता है, एलर्जी फैलाता है। बस इतनी सी बात ही बतानी शत्रु के रूप में ना। चलो एक टॉपिक और रह गया, छोटा सा टॉपिक का क्या नाम है, जीवन क्षमता, प्राग कणों की जीवन क्षमता किसे कहते हैं। सुनो तो मैंने क्या कहा, ये है ना, चित्र से समझ में आ गया, बताऊंगी नहीं क्या है बार बार में, समझ में आ गया। ये भी समझ में आ गया, यहां से कौन बाहर आ गए, यहां से प्राग कण यहां से बाहर आ गए, हवा के द्वारा ये प्राग कण यहां पहुंच के प्रागण की क्रिया संपन्न हो गई, प्रागण की क्रिया संपन्न होने के बाद में एक नलिका बनी। कौन सी कोशिका के द्वारा बनेगी, कायिक कोशिका के द्वारा एक नलिका बनी, और ये नलिका जो बनी है ये कहाँ तक जाएगी, स्टिग्मा, वृत्तिका और अंडाशय और बीजांड, और कहाँ तक पहुँच जाएगी, लास्ट के अंदर ये कहाँ तक पहुँच जाएगी, मादा तक पहुंच जाएगी। अब यहाँ देखो, ये जो बनी ना, नलिका बनी, इसे प्राग नलिका कहते हैं, प्राग नलिका कहते हैं। तो प्राग नलिका का बनना क्या कहलाता है, प्राग कण का अंकुरण कहलाता है। तो प्राग कण के अंकुरण के समय को क्या कहते हैं, जीवन क्षमता कहते हैं। कोई भी प्राग कण है वो प्राग कोष से बाहर निकला, निकल करके वर्तिकाकर तक गया और वहां पर जाकर के प्राग नलिका का निर्माण कर लिया, तो बीज का जो समय निकला, इस बीज के समय को क्या कहते हैं, प्राग कण के जीवन क्षमता कहते हैं। समझ में आती है बात, ठीक है। जीवन जो क्षमता है वो अलग अलग पादपों में अलग अलग प्रकार की होती है। जीवन क्षमता का तापमान, हुमस, पीएच, वातावरण पर प्रभाव पड़ता है जीवन क्षमता का। यूवी पराबैंगनी जो किरणें हैं वो भी इसकी जीवन क्षमता को प्रभावित करती है, पराबैंगनी किरणें भी इसकी जीवन क्षमता को प्रभावित करती है, ठीक है। फिर जैसे मान लो गेहूं है, उसमें तो 30 मिनट ही है, 30 मिनट तक अगर वो गेहूं के दूसरे पादप की मादा जननांग तक पहुंच गया तब तो ठीक है, वरना 30 मिनट के बाद में वो नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। कुछ पादप है जैसे लेग्यूमिनेसी, जैसे मटर वगैरह है ना, रोज है,
वहां की जो प्रांगण है उसकी जीवन क्षमता एक महीने की होती है, तो अलग अलग पादपों में जीवन क्षमता क्या होती है, अलग अलग होती है। आपको तो ये पता होना चाहिए जीवन क्षमता किसे कहते हैं। प्रागकणों के परिपक्वन के बाद में प्राग नलिका तक बनने के समय को क्या कहते हैं, जीवन क्षमता कहते हैं। फिर हम ये कहेंगे कि इनकी जीवन क्षमता कम है, इसीलिए प्रेजेंट टाइम के अंदर, वर्तमान के अंदर इन प्राग कणों का, प्राग कणों को संरक्षित रखा जाता है, संरक्षित रखा जाता है। कैसे रखा जाएगा, मान लो ये प्राग कण है, ठीक है, इन प्राग कणों को लेब में लाकर के -196 डिग्री टेम्परेचर पे रख देंगे, तो अब इन प्राग कणों की प्राग नलिका बनाने की क्षमता रुक गई, एक बार खत्म भी नहीं हुए, ठीक है, खत्म भी नहीं हुए और प्राग नलिका भी नहीं बना रहे, कितने पर, 196 डिग्री -196 डिग्री पर, समझ में आएगी ना। जैसे मान लो अपने यहाँ भी तो अपना जो रक्त होता है उसको सुरक्षित रखा जाता है, स्टोर करके रखते हैं, ऐसे ही जैसे शुक्राणु होते हैं उन शुक्राणु को रखा जाता है, तो वैसे ही किसको सुरक्षित रखा जाता है, प्राग कणों को भी सुरक्षित रखा जाता है। अब क्यों रखा जाता है ये तो पता चल गया, इतने डिग्री टेम्परेचर पे रखेंगे काफ़ी लंबे समय तक रख सकते हैं, अब क्यों रखेंगे, तो सुनो क्यों रखेंगे, कि जो फसल की उपज कम है फसल की उपज को बढ़ाने के लिए रखेंगे, भविष्य के अंदर वो फसल की प्रजाति बनी रहे इसके लिए प्राग कणों को सुरक्षित रखा जा सकता है। जैसे मान लो वातावरण से कोई भी पादप है उसकी प्रजाति विलुप्त होने वाली है, तो उस प्रजाति को विलुप्त होने से पहले उसके जो प्राग कण हैं उनको सुरक्षित रख लिया जाता है, ताकि लेब के अंदर या फिर अपन को जिनको बोलते हैं बगीचे, बॉटनिकल गार्डन है, वहाँ पर उन पौधों को उगा लिया जाता है। तो वातावरण से तो ख़त्म हो गए, लेकिन बॉटनिकल गार्डन में तो वो पौधे मिल ही जाएंगे, तो वो प्रजाति बनी रहेगी। तो लंबे समय तक प्रजाति को बनाए रखने के लिए प्राग कणों को सुरक्षित रखा जाता है, प्राग कणों क्या रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है। तो ये बात थी आज की हमारी क्लास, किससे संबंधित थी, प्राग कण का परिपक्वन से संबंधित, प्राग कण मित्र है कि शत्रु है इससे संबंधित, और तीसरी बात थी इसकी जीवन क्षमता से संबंधित। परीक्षा में कई बार जीवन क्षमता का प्रश्न भी पूछ लिया जाता है, तो आई होप आप बता दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारी क्लास यही थी आज की। दूसरी बात ये, बहुत ही कम बच्चे ऐसे कि वीडियो देखने के बाद में कमेंट्स करते कि मैंने वीडियो देख लिया है टॉपिक कर, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। वीडियो देखने के बाद में आपको बताना होगा कि आपने वीडियो देख लिया, तभी आप क्लास के अंदर प्रेजेंट हो। वीडियो देखने के बाद में वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए, ताकि थोड़े व्यू वगैरह बढ़े, हम लोग मोटिवेट हो, क्योंकि तुम लोग लाइक करते हो, शेयर व्यू लाते हो, शेयर करते हो, तो इससे ही हम मोटिवेट होते हैं, ठीक है बच्चों। तो आप ये काम करोगे, अच्छे से वीडियो से टॉपिक को क्लियर करोगे।